जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो अब स्टार्ट हो चुका है। इसी प्रक्रम में आज एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आपके अनरिजर्व्ड जो सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग के लिए और इसके साथ ही कुछ रिजर्व्ड सीट्स की भी काउंसलिंग के विषय में ये आपकी वीडियो पूरी रहने वाली है। किन किन विषयों में आपकी अनारक्षित सीटों की जो काउंसलिंग है उसमें बच्चों के नाम, इसके साथ ही जो आपके कुछ आरक्षित सीटें हैं उसमें भी यहाँ पर नाम आया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित है कि आप लोग रेगुलरली साइट पर विजिट किया करिए। अदरवाइज अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं भी आपको इन सभी चीज़ों की बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका विषय इसके अंतर्गत आया है या नहीं, और उसमें लिस्ट में नाम भी दिया हुआ है। तो आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं, अनरिजर्व्ड के केस में भी है और रिजर्व्ड के केस में भी है। तो आप अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तब आप उसमें देखेंगे, और अगर रिजर्व्ड से हैं तो उसमें देखेंगे और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस वीडियो में हम उसको समझने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप बार में तेज करके देखते हैं ये प्रॉब्लम फिर होगी तो आप 10 जगह इधर उधर खोजेंगे और सर्च करेंगे, जिससे कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिए। मैंने सर्च कैसे करना है वो पहले भी बताया है, इसमें भी बता दे रही हूँ। अगर आपको खुद से देखना है और आपको ये नहीं पता है कि हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना होता है, तो ये देखिए सिंपल, आप क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, MGKVP लिखेंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, कोई वेबसाइट नहीं, सिंपल MGKVP जाइए। ये देखिए पहली वेबसाइट जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है, यही इसकी जो है मेन वेबसाइट है MGKVP की। आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए इसके बाद ये आपके सामने जो मेन वेबसाइट का पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एडमिशन वाले सेक्शन पर जाना है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि आपको क्या कराना है, अपना एडमिशन कराना है। तो देखिए आप किस सेक्शन में जाएंगे, वो आपके सामने यहाँ पर तीसरे नंबर पर गिवन है, जो आपका एडमिशन वाला है। क्लियर है इतनी बात। अब एडमिशन वाले पे हम करेंगे क्लिक। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपको सारी जानकारी, जितना भी अपडेट होगा, सब इसी एडमिशन वाले सेक्शन से आपको देखने को मिल जाएगा। आज है आपका 19 अगस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 अगस्त के बहुत सारे यहाँ पर आपके लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आई हुई है। तो ये सारी न्यूज़ आपके काम की है। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर बहुत सारा जो है आपका काउंसलिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है अलग अलग विषयों के लिए जारी किया गया है। अब आप इसको एक बार अपने फ़ोन से भी स्क्रॉल करके ओपन करके देखेंगे। मैंने स्टेप आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि अगर मैं एक एक आपको दिखाने लगूंगी तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और फिर सारे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक की जैसा सारा पैटर्न है आपका, जो भी विषय है मैं एक बार पढ़ के आपको ज़रूर बता दूंगी किस किस विषय का है, ताकि अगर आपका वो संबंधित विषय है तो आप उसको देख लें। यहाँ पर जो सबसे पहला है वो BSc मैथ के लिए अनारक्षित सूची है। किसके लिए है? BSc मैथ के लिए। पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ, उसके बाद कोई भी खोल करके ओपन करके शो कर दूंगी। इसके बाद कब है? 22 अगस्त को है। 22 अगस्त को BSc मैथ की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए जो है अनरिजर्व्ड यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इसके बाद BA LLB के लिए भी आपका यहाँ पे अनारक्षित सूची दी गई है, इसका भी काउंसलिंग 22 तारीख को है। 22 अगस्त 2023 को आयोजित प्रवेश काउंसलिंग हेतु BCom की अनारक्षित सूची, अभी आप जो भी देख रहे हैं वो UR कैटेगरी के अंतर्गत है। किसका है? आपका UR कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, चाहे आपने BSc मैथ देखा, BA LLB देखा या BCom देखा। इसके साथ मास कम्युनिकेशन, जो BA वाला मास कम्युनिकेशन है, उसमें भी अनारक्षित सूची है। ये देखिए चार विषयों की आपकी यहाँ पर अनरिजर्व्ड है। अब इसके बाद देखिए ये सारे 22 अगस्त के हैं, जितना ये अनरिजर्व्ड का दिया गया है ये 22 अगस्त का है। अगर आपका ये विषय है तो 22 अगस्त को आपकी काउंसलिंग होगी। कहाँ होगी? ये PDF आप ओपन करेंगे दिख जाएगा, भी मैं इसमें भी करके दिखा दूंगी। फिर इसके बाद 24 अगस्त को आपका BCA का है EWS एवं आरक्षित सूची। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हमने जो कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो इनका पूरा रिवाइज प्रोफार्मा आया था, जब हमने उसको डिस्कस किया था तो हमने उसमें भी आपको बताया था कि इस बार से EWS के लिए अलग से इन लोगों ने जो है आपका नंबर ऑफ़ सीट्स को थोड़ा इंक्रीज़ किया है हर विषय में, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो वहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके साथ अलग से EWS लिख करके आया है। तो BCA की काउंसलिंग जो 24 अगस्त को होगी वहाँ के लिए EWS और आरक्षित सूची भी यहाँ पर दे दी गई है। फिर 24 अगस्त को ही B म्यूज़िक की जो है वो EWS और आरक्षित सूची यहाँ दे दी गई है।
24 अगस्त को ही यहाँ पर बीएससी बायो में भी प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस और जो रिजर्व्ड आपकी लिस्ट है वो यहाँ पर दे दी गई है। इसके साथ बीएफए के लिए भी रिजर्व लिस्ट दे दी गई है। इसके अलावा डिप्लोमा जो कर्मकांड में है उसके लिए भी 24 अगस्त को यहाँ दे दिया गया है। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ विषयों की रिजर्व्ड, मतलब जितने भी आपके आरक्षित वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड करके, ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड करके यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कुछ विषयों में दिया गया है और कुछ का अनरिजर्व्ड के लिए दिया गया है। रिजर्व्ड वाले का 24 अगस्त को यहाँ पर काउंसलिंग कराई जा रही है और 22 तारीख को आपके अनरिजर्व्ड वाले का। इसके अलावा भी है शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा संचालित वैल्यू एडेड कोर्स के प्रवेश के संदर्भ में भी यहाँ कुछ बातें कही गई हैं, उसको भी हम समझेंगे कि क्या कही गई हैं। इसके बाद सेकेंड पेज पर आते हैं, मनोविज्ञान विभाग द्वारा संचालित वैल्यू एडेड कोर्स के प्रवेश संबंधी सूचना। अगर जो है आपका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपकी वैल्यू एडेड कोर्स है अगर उसमें आपको लेना है क्या प्रवेश, तो उससे संबंधित ये आपकी सूचना है। उसके बाद ये आपकी काउंसलिंग जो स्केड्यूल थी सेंटर वाइज, ये हमने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस किया है कि किन किन विषयों की काउंसलिंग जो आपकी कल से ही शुरू है, 18 से 19 से, किसी की 21 को थी, किसी की 22 को थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक कॉमेंट में पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अगर आपका विषय वो है तो आप जाकर जरूर काउंसलिंग करा लें टाइम से। काउंसलिंग के समय क्या क्या इंपॉर्टेंट निर्देश है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। अगर आप शांति से कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तो आपको कोई भी समस्या यहां पर होगी नहीं, क्योंकि प्रक्रिया बहुत ही सहज तरीके से होती है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है MGKVP के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसी को न्यूज को देख लेते हैं जो मनोविज्ञान द्वारा संचालित एडेड कोर्स है। इसके बाद हम पेज वन, तो ये देखिए उसको ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। देखिए वैल्यू एडेड कोर्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ ऐसे कोर्सेज को पढ़ना है जो आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप जितने भी लोग हैं सब लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, इस कोर्स में ज़रूर एनरोल करिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने करिकुलम के साथ साथ कुछ ऐसी नई चीज़ों को सीखेंगे जो आगे, अभी तो आपको लगेगा कि नई एग्ज़ाम जैसा भी इन लोगों ने किया, क्योंकि पहली बार नए उसमें सिरे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसी भी चीज़ें आप सीखेंगे वो आगे जब आप जाएंगे आफ्टर ग्रेजुएशन तो आपको अपने लाइफ में भी बहुत काम करेगा, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करेगा। तो आप ऐसी चीज़ों में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, इसके साथ ये आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रॉड करने में भी बहुत योगदान देता है, ठीक। तो भले आपके ऊपर थोड़ा लोड पड़ेगा बट वो लोड लेने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि अब आप UG में है, फिर PG में जाएंगे, फिर आप कॉम्पिटिशन में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर एक्सेस लोड जो है वो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा इनटेक करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी कैंपस में संचालित विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 के अंतर्गत मनोविज्ञान विभाग द्वारा संचालित 3 मूल्य आधारित पाठ्यक्रम है। तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कितने आपके हैं, 3 यहाँ पर वैल्यू एडेड कोर्स को बताया गया है। पहला है साइकोलॉजी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत ही अच्छा ये आपका वैल्यू एडेड कोर्स है, जिसमें कि एक अच्छा संप्रेषण, अगर हम हिंदी में कहें तो कैसे हम एक बिल्कुल प्रभावशाली संप्रेषण कर सकते हैं, तो ये आपको सबसे यहाँ काफ़ी हेल्प करेगा सामने वाले को अपनी बात रखने में, दूसरे की बात को समझने में। लाइफ स्किल्स फॉर यूथ, आज की जो डिमांड है वो स्किल्स की ही है, तो एक यूथ के अंदर कौन कौन से जीवन जीने के कौशल होने चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ योगा में प्रवेश, ये 3 इसके क्या है, मेन वैल्यू एडेड कोर्स हैं, तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसमें ले सकते हैं। कब तक टाइम है, तो आपको क्या करना है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जा करके विभाग से, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, रश्मि सिंह मैम वहाँ की हेड है, वहाँ से जा करके कार्यालय में प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ पूरित करना है। जब फॉर्म लेंगे तो उस पर जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी उसको सबमिट कर दीजिएगा। 30 अगस्त 2023 तक आपको क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है कार्यालय के विभाग में। क्लियर है इतनी बातें, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश फॉर्म भरने से पहले वैल्यू एडेड कोर्स संबंधित पाठ्यक्रम और नियमावली को ध्यान से पढ़ लें, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो जो आपको दिया जाएगा उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस उसको ध्यान से आप पढ़ लेंगे। क्लियर इतनी बात, तो वैल्यू एडेड कोर्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन में जो फर्स्ट पेज का है, ठीक है, क्योंकि सेकंड में आपका आज के डेट में एक ही इंपॉर्टेंट ये आपकी न्यूज़ थी। इसके बाद एक और आपके विषय में वैल्यू एडेड की बात की गई है,
शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि भाई आपके शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से वैल्यू एडेड कोर्स हैं। आज आपका है 19 तारीख और 30 तक आपको ये डेट है, तो इसके साथ ही अगर आपको करना है तो जब आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो वहीं से आप इस प्रक्रिया को पूरा करवा लें। अदरवाइज़ फिर बाद में जब काउंसलिंग करवा लेंगे सितंबर से, अगर आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तब तक ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो या प्रॉब्लम हो कि मुझे तो पता नहीं था, तो इसलिए पहले से इस चीज़ के बारे में सजग रहिए। ये आपका शिक्षा शास्त्र एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रवेश विवरणिका सत्र 2023-24 के आलोक में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा संचालित 3 वैल्यू एडेड कोर्स में प्रवेश होना है। उक्त के संदर्भ में जो आपका MGKVP जो आपका वाराणसी कैंपस में संचालित विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विभाग में संचालित 3 आधारित पाठ्यक्रम है। यहाँ पर भी आपके 3 वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, तो इसमें आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो इच्छुक विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर प्रवेश फॉर्म आपको ये भी डिपार्टमेंट से लेना होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अभिलेख जो आवश्यक अभिलेख हैं जो वहाँ पे आप जाएंगे, जब फॉर्म मिलेगा तो उस पर खुद लिखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको साथ भर करके फिल करके 31 अगस्त तक, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले वैल्यू एडेड कोर्स को लेना है तो 31 अगस्त तक आपके पास लास्ट डेट है, यहाँ तक 31 तक आपको जमा कर देना है भर करके, ठीक है। इसके साथ वैल्यू एडेड कोर्स की नियमावली और इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्लियर है, मतलब मिला जुला करके वही बात है। इसमें जो है तीनों का नाम नहीं दिया गया है, तो आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको दे देगा, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उसमें जा करके यहाँ पर ले सकते हैं, क्लियर है इतनी बातें। चलिए तो अब हम आते हैं, ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आरक्षित और अनारक्षित का केस है कि भाई कहाँ कहाँ है कैसे कैसे। तो चलिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। सबसे पहला वाला जो BSc मैथ है, मैं इसी का ओपन करती हूँ, जो अनारक्षित सूची के लिए है, ठीक है। देखिए ये सारी जो है वीडियो मैं एज शॉर्ट एज प्रिसाइज बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, इतना बताने के बाद भी छात्रों को या छात्राओं को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ डिपार्टमेंट से मिलेगा, और आप सभी लोगों को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने लाइफ में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट एक अच्छी चीज़ आपको पॉजिटिव तरीका ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, आप सभी लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, ठीक। तो अनारक्षित सूची देखते हैं BSc मैथ्स के लिए आपके। तो ये जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके 12 पेज की यहाँ पर PDF है जो आपके मैथ्स के लिए है। अब यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबके अनरिजर्व्ड में सबकी कैटेगरी की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काउंसलिंग राउंड फर्स्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व्ड ओपन के लिए। देखिए यहाँ पर आपका बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, जेंडर, एंट्रेंस का मार्क्स कितना है, वेटेज, टोटल मार्क्स, क्वालिफाइंग परसेंटेज, 10+2 और रिमार्क्स। तो इसमें जितने लोगों का नाम है वो सभी लोग एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, जो आपकी 22 को होने वाली है, क्लियर है। आप इसमें से देख लेंगे आपका नाम है या नहीं, ये भी आपका उसी का है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी का ही आपका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये भी आपका वही, आप इसमें अपना नाम देख लेंगे, आपका नाम होगा तो आप इसमें आ जाएंगे, ये भी आपका अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी का ही है, 36 तकरीबन आप देख सकते हैं, 45 51, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 बच्चों के यहाँ पर टोटल नाम इसमें जो है शामिल है। ऐसे ही जितना भी मैंने आपको बताया, चाहे वो अनरिजर्व्ड का दिया है चाहे रिजर्व्ड प्लस EWS को ऐड करके, तो उसमें इस प्रकार के हैं। ये जो नीचे नोट में लिखा हुआ है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें ये है कि अगर आपके मार्क्स सेम है तो 10+2 के आधार पर यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई पहले किसका अंक आएगा वो। इसके साथ लॉगिन, एडमिशन, परमिशन लेटर, ये सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन करके कर सकते हैं, और जब आपका मतलब फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर लें तो एक हफ्ते के अंदर आपको आकर डिपार्टमेंट में क्या करना है उसको जमा ज़रूर करना है। अब ये भी आपका जो है यहाँ पर वही बात है, ये देखिए ये आपका अनरिजर्व्ड में फीमेल का बात किया गया है अलग से, तो ये फीमेल जितने भी हैं उन सभी लोगों का है, प्रांजल राज, कीर्ति यादव, आप देख सकते हैं ये सारे नाम अगर आपका इसमें है तो आपकी काउंसलिंग यहाँ पर 22 तारीख को होने वाली है। ये भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे आप फीस रिसिप्ट और ये सारी चीज़ें करेंगे, लॉगिन करेंगे, ये सारी चीज़ें। ये भी आपका जो है अनरिजर्व्ड PH कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे रोशन कुमार गुप्ता एक लोग का यहाँ पर है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। ये अनरिजर्व्ड यूनी वाले में, अभी PH वाला आपने देखा ऊपर, ये आपका अनरिजर्व्ड, इसको देख लेंगे। आपका अगर कैटेगरी है अलग, जैसे उसमें भी आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला है तो वो ऊपर एक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपका स्थान कहाँ पर है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ये अनरिजर्व्ड आर्मी वालों के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर,
अनरिजर्व्ड आर्मी, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर करा गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये एंड होता है, तकरीबन 4 लोग आर्मी वाले से हैं, एक बच्चा यहाँ पर अनरिजर्व्ड उस यूनि वाले से है, और एक लोग जो है पीएच वाले से हैं, फिजिकली हैंडीकैप वाले से। इसके अलावा फीमेल में यहाँ पर 18 लोगों का नाम दिया गया है। इस प्रकार से आपको हर विषय का मिलेगा। तो ये आपका बीएससी मैथ के लिए, अगर आपका नाम इतने में आ रहा है तो 22 तारीख को आपको क्या कराना है, जाकर के काउंसलिंग करानी है। सेंटर जो टेंटेटिव जो आपकी काउंसलिंग की जो स्केड्यूल है, जिसको कमेंट में मैंने दिया, उसमें सेंटर लिखा हुआ है, तो आप उसमें से सेंटर देख लेंगे, ठीक है। और अगर उसमें आपका सेंटर नहीं गिवन है, तो कल के डेट में ये लोग सेंटर भी तब इन बच्चों के लिए भी दे देंगे, तो इसमें चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही आप देखेंगे तो आपको BA LLB के लिए भी अनारक्षित सूची दिखेगा, BCOM के लिए भी, BA मास कम्युनिकेशन, BCA के लिए EWS। तो देखिए ये आप जैसे मैंने आपको चारों दिखाया, ऐसे ये सब भी अलग अलग पेजेस की PDF आपको ओपन करेंगे। अगर आपका विषय है तो ओपन करके आप देखेंगे, उसमें अगर आपका नाम है तो यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग ऑफ MGKVP। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब एक मैं आपको EWS और आरक्षित सूची का दिखा देती हूँ, और उसमें बता देती हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कैसे आपको पता लगेगा। नाम है तब आपका निश्चित हो जाएगा, ठीक। चलिए हम BCA का ही ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है आपका काउंसलिंग कैटेगरी किसका है, EWS का। यहाँ ऊपर पहले आप देख लेंगे किसका है, ये नहीं कि ऐसे ही परेशान हो जाए कि हमारा तो मिला ही नहीं। SC ST OBC EWS, तो EWS का पहले यहाँ पे राउंड फर्स्ट के लिए दे दिया है, रिजर्व्ड कैटेगरी में BCA कोर्स है, सब चीज़ ऊपर से देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एज इट इज़ था, जो अभी पहले बताया, एंट्रेंस मार्क्स, वेटेज अगर आपने लगाया होगा चीज़ों को जो भी आपका है, तो वो मिलेगा ही, तो टोटल मार्क्स एज इट इज़ रहेगा, क्वालिफाइंग परसेंट आपका जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक। तो 6 लोगों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, 7 पेजेस की आपकी ये PDF है। इसके बाद ये आपका OBC के लिए है, ठीक है। 7 लोग देखिए यहाँ पे BCA में, 6 लोग आपके जो है EWS से हैं, और 9 लोग यहाँ पर OBC से हैं। देखिए ये OBC है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये OBC से है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपका OBC फीमेल का है, ठीक है। OBC फीमेल में 3 लोग हैं, आप देख सकते हैं, आराध्या, कशिश और प्रिया। इसके बाद OBC ये फिजिकली हैंडीकैप का है। उसके बाद ये है आपका SC का, SC ओपन में जो है, और इसके बाद SC फीमेल। उसके बाद आपका ये ST के लिए है, तो आपका जो भी है यहाँ पर ये एंड होता है। तो इसी प्रकार से आप जो है कि इसका भी देख सकते हैं, ये आपका किसका था, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो इसमें कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, क्योंकि ये लोग कैटेगरी वाइज अलग अलग कॉलम में दिए हुए हैं। अगर आपका नाम है तब आप ईज़िली वहाँ जा करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये विषय है तो आप इसमें जो है तुरंत तुरंत ये करा लीजिए। इसके साथ जब जाएंगे काउंसलिंग कराने, तो ध्यान से वैल्यू एडेड कोर्स में ज़रूर अपना एनरोलमेंट करा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आती है। और इसके साथ ही ध्यान से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर कोई भी संशय नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।